जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश यादव आपका फिटनेस ट्रेनर एंड कोच। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सर्दियों में कौन कौन सी हेल्दी डाइट हम खा सकते हैं। हेल्दी डाइट के बारे में हम पूरा इसमें बताने वाले हैं वीडियो में, बने रहिए पूरी वीडियो में हमारे साथ। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, पहला जो हमारा ब्रेकफास्ट दिन की पहली मील, ड्राई फ्रूट्स जो है हमारे को कौन से खाने चाहिए, कितने खाने चाहिए और उसका खाने का सही टाइम क्या है। उसके बाद जो है हम ब्रेकफास्ट बताएंगे, ब्रेकफास्ट के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं जो हमारे लिए हेल्दी है। ऐसे ही तीसरे में हम बताएंगे लंच में आजकल सर्दियों में कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए हेल्दी है, लंच के अंदर जो है हम ऐड कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स आजकल बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं, या हमारे कैल्शियम के लिए हमारे लिए कौन सी चीज़ें बढ़िया रहेंगी हमारी हड्डियों के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस टाइम। और स्नैक्स शाम का और रात का डिनर, ये सब चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्या गलतियाँ करते हैं लोग, उन गलतियों के बारे में भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, बने रहिए पूरी वीडियो में हमारे साथ। दिन की पहली मील की शुरुआत हम लोग जो है ड्राई फ्रूट्स और नट्स के साथ कर सकते हैं। हम पहला जो हमारा ड्राई फ्रूट्स रहेगा वो हमारा रहेगा अंजीर। अंजीर एक जो है फ्रूट है जो पेड़ पर उगता है पहाड़ों में, और इसको जो है सुखा कर और पका कर जब जो है इसको खाने के लिए तैयार किया जाता है। इस फ्रूट के अंदर हमारे को एंटीऑक्सीडेंट बड़ा अच्छा मात्रा में मिलता है, और विटामिन ए के और एल ये तीनों हमारे को इसके अंदर मिलते हैं। साथ में जो है इसके अंदर एक बेस्ट फाइबर भी इसके अंदर मिलता है जो हमारी पाचन क्रिया को सही रखता है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ड्राई फ्रूट है वो है खजूर, यानी कि डेट्स। डेट्स को भी जो है हम एंटीऑक्सीडेंट और हाई फाइबर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ये एक अच्छा ड्राई फ्रूट है। तीसरा हमारा जो है किशमिश, या जो है हम मनक्का इसको कहते हैं, ये भी हमारे अंगूरों को सुखा के बनाया जाता है, तो इसको भी हम एक डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखने के लिए अपनी पहली मील में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद में हम नट्स की बात करते हैं, तो नट्स जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं बादाम, अखरोट के अंदर हमारे को ओमेगा 3 मिलता है। ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है जो हमारे शरीर में खुद नहीं बनता, बाहर से लेना पड़ता है, तो ड्राई फ्रूट्स के अंदर हमारे को अच्छी मात्रा मिल जाता तो हम इसको अखरोट से ले सकते हैं, जो हमारी बोन्स के लिए हड्डियों के लिए बड़ा फायदेमंद है। और जो है काजू, ये हमारे को एक बेस्ट जो है हमारा सोर्स है गुड फैट का, तो ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स जो है हम पहली मील में ले सकते हैं। अब इनको लेने का सही टाइम क्या है, एक तो सुबेरे के टाइम लेना है, और कितना लेना है, अगर फीमेल्स ले रही हैं तो 2 अंजीर ले सकती हैं सुबेरे, भिगो के ले सकती हैं। ऐसे ही जो है खजूर भी 2 ले सकते हैं, और मनक्का या किशमिश ले तो 4 से 5 ले सकते हैं। और बादाम की बात करूं तो बादाम जो है 4-5 गिरी बहुत है फीमेल्स के लिए। अखरोट सिर्फ 1 अखरोट की गिरी छिली हुई वो ले सकते हैं, और साथ में जो है काजू भी 4 से 5। इनको सुबेरे सुबेरे लेने से बहुत ही एक फ़ायदेमंद डाइट हम ले सकते हैं। और मेंस के लिए मैं प्रेफरेंस करूँगा 2 से 4 अंजीर ले सकते हैं, और डेट्स जो है हम 2 ही लें, 2 से 3, इससे ज़्यादा ना लें। और किशमिश या जो है मनक्का वो भी 5 से 6, इतनी सी बहुत है हमारे लिए। साथ में जो है अगर हम बादाम की बात करें तो बादाम हम जो है 10 से 15 गिरी ले सकते हैं। साथ में अखरोट, 2 अखरोट छिले हुए बहुत हैं, और काजू 10 से 12। ये हम जो है एक अपनी हेल्दी डाइट में, मेंस की डाइट मैंने बताई है, इसको ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट हमारे को हेल्दी रखना है, इसके अंदर हम जो है फ्रूट्स ऐड्स कर सकते हैं, कोई भी 5 फ्रूट।
फ्रूट हमारे लिए बड़े हेल्दी हैं, और दिन की शुरुआत में अगर हम इसको ले तो हमारे को नेचुरल फॉर्म में हमारे को विटामिन, फाइबर, आयरन, इन सब चीज ले सकते हैं। साथ में हम जो है मल्टीग्रेन, हम दलिया ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, या मल्टीग्रेन मूसली आती है कॉर्नफ्लेक्स, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीग्रेन जो है, हम कोई भी चीज़ हम जो है सुबेरे के टाइम में कोई सी भी एक चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, और शहद के साथ भी ले सकते हैं हम इसको। अगर हम दूध के साथ इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो इसके अंदर शहद, और शहद का मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मार्केट में आजकल जो है डुप्लीकेट शहद बहुत चल रहे, तो इसलिए ओरिजिनल शहद के साथ ही लेना हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें, अगर ओरिजिनल शहद का रिक्वायरमेंट है, हमारे पास बहुत सारे एथलीट आते हैं जो लोग तैयारी करते हैं प्रोफेशनल या वैसे भी, तो हम लोग उनको जो है ओरिजिनल शहद ही प्रोवाइड करते हैं। तो किसी को भी अगर शहद की रिक्वायरमेंट हो तो नीचे मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ पर कॉल करके आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कितनी क्वान्टिटी में लें, अगर हम दलिया ले रहे हैं तो दलिया हम छोटे बॉयल के अंदर लें, अगर जो है हम मूसली ले रहे हैं मल्टीग्रेन मूसली, तो हम जो है एक गिलास दूध के अंदर छोटे बॉयल के अंदर जो है हम ले सकते हैं। अगर फ्रूट्स की बात करें तो कोई भी बड़ा फ्रूट्स ना लें, जैसे कि एप्पल, बड़ा एप्पल होता है, या जो है बड़ा अनार होता है आधा किलो का, तो इतना ही बड़े बड़े फ्रूट ना लें, हमारे को थोड़े थोड़े फ्रूट्स लेने होते हैं। तो हम छोटे छोटे फ्रूट्स, 5 फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर फ्रेश जूस भी लेते हैं, फ्रूट जूस भी ले सकते हैं हम सुबह मॉर्निंग के हम नाश्ते में, तो ये हमारे लिए एक हेल्दी नाश्ता रहेगा। अब हम बात करेंगे लंच के बारे में। सर्दियों में बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि जो है सरसों, पालक, मेथी, बथुआ, तो जो है इन चीज़ों को हम अपनी डाइट में जो है लंच के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे सरसों का साग भी ले सकते हैं, या जो है मेथी की रोटी बनवा सकते हैं, या फिर हम मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनवा सकते हैं, बाजरे की रोटी ले सकते हैं, हमारे कैल्शियम उसके अंदर काफ़ी अच्छा होता है, जो हमारी हड्डियों के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है, या फिर मक्के की रोटी ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम एक हेल्दी डाइट अपनी बना सकते हैं, और हरी सब्जियों का ज़्यादा यूज़ करें इसके अंदर, और साथ में दाल और ब्राउन राइस भी यूज़ कर सकते हैं, चपाती ले सकते हैं, अल्टरनेट है, कुछ भी अल्टरनेट आप खा सकते हो इसके अंदर। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग इसके अंदर एग्स या जो है चिकन या फिर फिश भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारी एक हेल्दी डाइट है जो हम सर्दियों में दोपहर के टाइम में अच्छी एक हमारे को हेल्दी डाइट हम ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे शाम के स्नैक्स की। शाम के स्नैक्स में हमारे को थोड़ा लाइट लेना है, तो क्या क्या चीज़ें हम ले सकते हैं शाम के स्नैक्स में? सबसे पहले जो है हम ओट्स बिस्किट ले सकते हैं, या फिर हाई फाइबर बिस्किट्स होते हैं वो भी हम ले सकते हैं, या फिर जो है हम वेजिटेबल सैलेड ले सकते हैं, या ग्रीन टी भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वेजिटेबल जूस भी हम ले सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल जूस। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग जो है एग्स ले सकते हैं, या चिकन सैलेड ले सकते हैं, या फिर जो है फिश सैलेड भी ले सकते हैं। तो ये हम जो है शाम को हल्की एक जो है स्नैक्स ले सकते हैं हम। अब हम बात करेंगे डिनर की। डिनर हमारे को बिल्कुल लाइट रखना है, तो लाइट डिनर में हम लोग ले सकते हैं दलिया ले सकते हैं, बाजरे की खिचड़ी, आजकल बाजरे की खिचड़ी बड़ी जो है अच्छी रहेगी सर्दियों में, तो बाजरे की खिचड़ी ले सकते हैं, या फिर जो है हम किनवा ले सकते हैं, या फिर जो है हम दलिया ले सकते हैं। इन सब चीज़ों के साथ जो है हमारे को सैलेड जरूर ले हम, ग्रीन सैलेड, और साथ में बॉयल्ड दाल ले सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो बॉयल्ड चिकन भी ले सकते हैं। तो ये हम एक लाइट डिनर करके हम एक हेल्दी डाइट ले सकते हैं सर्दियों में। मिस्टेक क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं लोग बाग, गलतियां ये करते हैं कि जो है सर्दियों में जंक फूड, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खानी शुरू कर देते हैं, या फिर बाहर का खाना जो कि ज़्यादा मसाले वाला रहता है वो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। हमारे को घी हम खा सकते हैं, लेकिन जो है ना बाहर का तेल वगैरह हमारे को नहीं लेना चाहिए सर्दियों में, या फिर जो है स्वाद में ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो हमारे को एक हेल्दी न्यूट्रिशन से भरी हुई डाइट हम खा सकते हैं, और अपने आप को सर्दियों में हेल्दी रख सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको जो है
सर्दियों की हेल्दी डाइट के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा सप्लीमेंट पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल स्कॉर्पियो ज्यूमेंट स्पोर्ट्स के नाम से, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद।